हेलो एवरीवन, मैं मोहिनी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सन टॉय कुछ इस तरीके से। लेकिन ये बॉल मैंने पहले बना के बता दी थी कैसे बनाई है। मैंने इसमें कॉटन यूज़ नहीं किया है। कैसे बनाया है ये मैं अपना वीडियो आपको इसमें आप चाहें तो देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि हमने इसके अपने ब्राइट सन की किस तरह से बनाई है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। हम फर्स्ट में इसमें 6 चैन बनाएंगे। मैंने ये होल बनाया है, इसमें हम 6 चैन बनाएंगे। ये देखिए, मेरी ये 6 चैन कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इस पे राउंड लेंगे। फर्स्ट हम लेंगे इस पे, फर्स्ट सिंगल चैन है, सेकंड पे डबल चैन है। हमें इसी तरीके से अपना ये पूरा एक राउंड कंप्लीट करना है। फर्स्ट सिंगल, फिर डबल, क्योंकि हमें ये पहले बढ़ाना है, हम तभी ये हमारे लीव्स में जाएगा। हमें स्टार्टिंग में ऐसे करना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसी तरीके से हमें इसमें चेन बढ़ाते जाना है। ये वी शेप में आ जाएगा, ऐसे पॉइंट आएगा इसका, और फिर उसके बाद हमें इस चेन को इसी तरीके से बढ़ाना है। अपने कंटिन्यू इसी तरीके से यही मेथड हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट सिंगल चेन, फिर डबल, ये देखिए ये इस तरीके से हमारा आता चला जाएगा। इसमें अब पूरी एक इसमें कोई भी हम चेन को, ना तो हम सिंगल लेंगे ना डबल लेंगे, हम पूरी एक चेन को इक्वल एक चेन से, सिंगल चेन से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। 2 चेन हमें कंप्लीट करने हैं। मैंने सिंगल चेन के बना रही हूँ, तो ये 2 राउंड्स कंप्लीट करेंगे आप। ये अपना लीफ का जो शेप होता है ना, इस तरीके से वो शेप लेना स्टार्ट कर देगा। थोड़ा बहुत अगर आपकी लीव्स का डिफरेंट शेप आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो जब बनाते रहेंगे तो वो प्रैक्टिस होने के बाद वो अपने आप ही अच्छे से बननी शुरू हो जाएगी। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी लीव्स कैसी बन रही है। मेरे 2 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इसमें फिर से वही एक सिंगल एक डबल चेन लेना शुरू करूँगी। आप देख सकते हो कि ये इस तरीके से बन गया हमारा। हमने वही मेथड करा है कि 1 सिंगल डबल, फिर उसके बाद मैंने एक 2 राउंड के बाद मैंने इसमें अपना सिंगल ही लिया है, एक राउंड सिंगल लिया है उसको एक राउंड देने के लिए। फिर उसके बाद हमने फिर उसी पैटर्न को अपनाया है। फिर 2 राउंड लेके फिर मैंने उसको फिर से वो सिंगल लिया है। देखिए ये लीव्स जैसा बनना है हमारे स्टार्ट हो जाएगा। ये कोन टाइप का बन जाएगा ये। फिर हमें इसमें कॉटन डालेंगे, हम कॉटन को फिल करेंगे, उसके बाद ये हमारी इस तरह की शेप ले लेगा। ये देखिए ये बनता जा रहा है ना, ये ऐसे ही पूरा। इतना हमें जितनी ये बनाई है, हमें इसकी काउंट करके हमें उतनी ही लीव्स इसकी इतनी ही बड़ी बनानी है। और हम इसको इसको देख लेंगे हमने कितनी बड़े बनाई है। तो ये देखिए मेरा ये कंप्लीट हुआ। तो इसमें मैंने इसमें कॉटन भी भर के रेडी रखा है। तो ये जब इसे फिल कर लिया है, इसमें आप जो सॉफ्ट वाई में आप जो पॉलीफिल भरते हैं ना, वो वाली कॉटन यूज़ होगी। इसमें हार्ड वाली कॉटन यूज़ नहीं होगी, जो सॉफ्ट वाई वाली है वो यूज़ होगी। वो बहुत ईजली टॉय शॉप पे मिल जाती है। आप इसके ये देखिए, ऐसे फिल करने के बाद हमने यहाँ पे राउंड को बंद कर दिया। हम करोसी से इसको राउंड को बंद नहीं करेंगे, हम इसे बंद करेंगे सुई से। आपको इस तरीके से, ये देख सकते हो आप ये किस तरीके से है। अब हमने इसको स्टिच करके बंद कर देना है।
बहुत अच्छा सा प्यारा सा राउंड शेप ले लेगा ये। इसको टाइट करते जाइए, खींच थोड़ा सा खींच लीजिए जिससे ये इस तरीके से राउंड शेप में आ जाए। ये देखिए, ये देखिए, ये भी एक फूल की तरह हो चुका है। अब इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। बन गई ना प्यारी सी ये हमारा। ये देखिए, ये हमने मैंने पहले से ही इसमें इसको स्टिच कर लिया था। हमने जो लीव्स अभी बनाई है, ये जो कोन टाइप से हमने बनाया है, इसे हमें यहाँ पे फिक्स करना है। हम इसके बीच में ये इसे ऐसे करके हम इसे इसमें फिक्स करेंगे। देखिए, ये इस तरीके से ऐसे फिक्स होके ये ऐसे सन हमारा फ्लावर लुक पे आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने स्टिच कर लिया है इसे। अब हमने थोड़ा और इंटरेस्टिंग सा बनाने के लिए मैंने इसके लिए आइज़ बनाई है, और नोज़ है इसकी, और आईब्रोज़ हैं, और इसके लिप के लिए हम बनाएंगे इस पे ये रेड ऊन से। तो ठीक है, चलिए देखते हैं इसे। मैंने ये पहले से बना के रखी थी, और ये हम इसको थोड़ा सा और अच्छा सा लुक देने के लिए हमें इसे स्टिच करेंगे। ये हमने देखे इसकी ये नोज़ हमने इसके ऊपर लगाई है, हमने मैंने सेंटर पे लगाई है ये इसके बीच में। हमें इसके अब ये आईज़ ऐड करेंगे। हम इसकी आईज़ मैंने ये जो बनाई है, हम इसको यहाँ पे इस तरीके से फिक्स करेंगे। इसे भी हम स्टिच करेंगे। ये देखिए, ये इसकी आईज़ हमने स्टिच कर ली है। अब हम इसके बनाएंगे, हम दूसरी आईज़ भी इसको लगा देते हैं यहाँ पे। इस तरीके से हमें ये दूसरी आईज़ भी फिक्स करेंगे। ये हमारी आईज हो गई है। अब हमें इसको कट कर देंगे यहाँ से। ये देखिए, हमारा ये एक प्यारा सा सन, छोटू सा सन, एक ब्राइट सन इज एक रेडी हो जाएगा। मैंने इसमें एक डोरी लगाई है ये यहाँ पे। आप इसमें ऐसे हैंगिंग है, इसे कहीं भी टांग सकते हैं। आप अपने तरीके से कोई भी इसमें डोरी ऐड कर सकते हो। अब हमने इसके यहाँ पे नोज़, ये नोज़ के जस्ट यहाँ पे हमें स्माइली बनानी है। इसकी स्माइली, हम इसकी स्माइल कैसे बनाएंगे? हमने ये रेड धागे से हम इसकी स्माइल बनाएंगे। ये देखिए, इसकी स्माइली ऐसे हम बनाएंगे इसको। ये इसकी स्माइली बन गई है।
अब हम इसकी आईब्रोज बनाएंगे। हम अपने सन पे अब ये आईब्रोज है इसके इधर और इधर दोनों पे हम इसे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उससे मुझे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे अगर कोई कमी है तो मुझे उसे कैसे सही करना है। अगर कुछ अच्छा लगता है तो वो भी कमेंट्स करके बताइएगा। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिए, जैसा आपका मर्जी। और लेकिन इसको देख के एक बार ज़रूर देखिए कि ये कितना प्यारा सा हमने एक ये सन टॉय बनाया है, तो और ये बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखिए, ये इस तरीके से कुछ रेडी हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा ये सन, क्यूट सा सन, ये हमारा ये कभी न छुपने वाला सन, ये कंप्लीट हो गया है। और ये बहुत ही प्यारा लुक देता है। और ये हैंगिंग है, आप इसे कहीं भी टांग सकते हैं। आपको ये कैसी लगी वीडियो बताना ज़रूर और कमेंट ज़रूर करना। गुड बाय।